बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि डिस्कोर्स एनालिसिस है क्या। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस समझने में आसानी हो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को समझने से पहले हम डिस्कोर्स को समझते हैं कि डिस्कोर्स है क्या। डिस्कोर्स पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कोर्स को एक्सप्लेन किया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कोर्स इज स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, स्पेशली सीरियस डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ या लिखते हैं, तो ये क्या है? डिस्कोर्स है। आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचरों के साथ, ये क्या है? डिस्कोर्स है। जैसे एक प्रोफेसर है, एक टीचर है जो आपको पढ़ाता है किसी भी टॉपिक को लेके, उसके बारे में डिस्कशन होती है, ये क्या है? डिस्कोर्स है। दो पॉलिटिशियंस जब आपस में बात करते हैं किसी भी इवेंट को लेके, या आप किसी इवेंट को लेके डिस्कशन उस पर करते हैं, तो ये क्या है? डिस्कोर्स है। अब बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ मेथडोलॉजी दैट इनेबल्स वेरियस असेसमेंट ऑफ व्हाट इज मेंट व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ये एक्चुअली एक मेथडोलॉजी है। मतलब इस तरह मेथडोलॉजी की ये आपको काबिल बनाती है कि आप क्रिटिकल वे में कैसे सोच सकते हैं किसी भी स्पीच को लेके, किसी भी मतलब जो पॉलिटिशियंस के जो स्पीचेस होते हैं, या जो किसी भी बंदे के स्पीच, किसी भी लैंग्वेज के स्पीच को लेके, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज के स्पीच को लेके, अगर आपके उस नॉलेज के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में आपके पास नॉलेज है, उस पॉलिटिक्स के बारे में, जो पॉलिटिक्स सपोज पाकिस्तान में चल रही है, अगर आपके पास उसके नॉलेज है, आप किसी भी पॉलिटिशियन के स्पीच को लेते हो, उसको क्रिटिकल वे में, मतलब उसके बारे में जब आप सोचते हो, उसके वर्ड्स, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो पावर, मतलब कुछ ऐसे स्पीचेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं बल्कि अमूमन कि उसमें ये होता है कि लैंग्वेज के ज़रिए, लैंग्वेज इज़ एक्चुअली अ पावर, एक ऐसी टूल है, एक ऐसी पावर है कि किसी भी जो रीडर्स है या जो लिसनर्स है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है। इसके अब बेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसको हम CDA, इज़ अ ग्रोइंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मूवमेंट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ईच हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर एजेंडा डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी। CDA स्कॉलर्स कॉमनली व्यू लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिस एंड आर कंसर्न विद सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन हिडन पावर रिलेशंस एंड आइडियोलॉजीज एम्बेडेड इन डिस्कोर्स। दे आर लाइकवाइज डेडिकेटेड टू एग्जामिनिंग द सोशल एंड मटीरियल कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्कोर्स। इस पूरे पैराग्राफ का भी यही मतलब है कि जब आप किसी भी स्पीच को लेके, उसको जब आप क्रिटिकल वे में, मतलब उसको जब एनालाइज करते हो कि कैसे लैंग्वेज को जो है, मतलब यूज़ करके जो रीडर्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, उनको जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब इट रेफर्स टू टेक्स्ट एंड पावर, हाउ पावर इज़ एक्सरसाइज बाय लैंग्वेज। ये पावर टेक्स्ट की पावर की बात हो रही है, ना कि वो दूसरी पावर जो आप सोच रहे हैं। उस लैंग्वेज के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ होती है, कितनी पावर है उसमें, कितना इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, लिसनर्स को, रीडर्स को। मसलन जब आप किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, आप जब उस कम्युनिकेशन में जो, मतलब जब यूज़ होती है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है, कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो लैंग्वेज अवाम को मुतासिर कर रही है या नहीं, हाउ लैंग्वेज प्लेज़ अ रोल ऑफ पावर, डिस्कर्सिव सोर्सेज ऑफ पावर, डोमिनेंस, इनइक्वलिटी, बायस, कंपोजिशन एंड फीचर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हम जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में ही डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस देयरफॉर एग्जामिन्स द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ डिस्कोर्स, फ्रॉम द ग्रामर एंड वर्डिंग एम्प्लॉयड इन इट्स क्रिएशन टू इट्स रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन बाय अ वाइडर ऑडियंस, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड नाउंस विद इन डिस्कोर्स is as much part of this analysis as the assessment of the content and tone of the discourse. The methodology facilitates as
assessment based upon more than simple quotations, but upon what the discourse is doing and what it is being asked to do in its production, dissemination and conception. इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब आप किसी भी पॉलिटिशियंस के जो स्पीच होती हैं उसको जब आप एनालाइज करते हो क्रिटिकल में, मीन्स जब आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हो, तो उसमें आपने ये देखना होता है कि जो पॉलिटिशियन है, जो जिसने ये स्पीच की है, उसने किस टाइप के वर्ब्स यूज़ किए हैं, उसने किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसने किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, तो ये सब उसने किस टाइप की लैंग्वेज, ये टोन जो है वो यूज़ की है, ये सब आपने देखना होता है, इसको आपने क्रिटिकली देखना होता है. ये सब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में. उसकी जो ग्रामर होती है, उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं, उसमें जो नाउंस यूज़ होते हैं, ये सब आपने देखने होते हैं. ये सब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में ही हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल पाकिस्तान में एक केस चल रहा है, दुआ ज़ारा का केस. जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो, किस तरह करते हो, आपने देखना होता है कि जो मीडिया वाले हैं या जो लोग हैं वो किस टाइप के वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं उस इवेंट को लेके, उस इंसिडेंट को लेके, किस टाइप के नाउन्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, ये सब आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में ही डिस्कस हम करते हैं. इसी तरह जो 2012 में जो बुश ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब उसने खिताब किया था कि जो 9/11 अटैक्स हुए थे उसमें उसने किस टाइप के जो सेंटेंसेस यूज़ किए थे, कि किस तरह लोगों को जो है मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट किया था, किस टाइप की जो लैंग्वेज थी उसने यूज़ की थी, मतलब पावर ऑफ लैंग्वेज, दैट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट अनदर पावर. अब इसका पर्पज़ क्या है, क्रिटिकल पर्पज़ ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस. क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हेल्प्स इन द यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन वेरियस सोसाइटल सर्कमस्टांसिस एंड अनरिवीलिंग द अंडरलाइंग पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द सोशल सिस्टम बिलीव्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें जब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है. मतलब आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हो, उस टेक्स्ट को, उस स्पीच को, उस लैंग्वेज को, उस कन्वर्सेशन को क्रिटिकली एनालाइज करते हो. इंडीड, एनालिस्ट्स कैन अप्लाई सीडीए टू अंडरलाइंग एनी टेक्स्ट. वही बात कर रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को लेके वो जो है मतलब एनालाइज कर सकते हैं, विच इज़ अ सोशल सिचुएशन और प्रॉब्लम. द एनालिसिस हैज़ नो पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉर एनालिसिस, रेदर इट इज़ ओपन टू डिफरेंट deconstructions and interpretations of prevailing situations or text. अब ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिशियन के स्पीच को ले सकते हैं, आप किसी भी इवन एड्स, जो एड्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो स्लोगन्स होते हैं, उनको लेके जो है आप एनालाइज करते हो, क्रिटिकली जो है एनालाइज करते हो कि ये इस तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं. लास्ट में वो जो एड्स होते हैं उसके लास्ट में वो लोग जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसको वो लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसको जब आप एनालाइज करते हो, उससे क्या होता है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है उसमें इंक्रीजमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अमूमन देखे होंगे कि जैसे टीवी में जो एड्स चल रहे थे रिलेटेड टू शैम्पू, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नंबर वन शैम्पू, तो ये लोग मतलब जितने भी शैम्पू उसमें सब में ये ज़रूर कहते हैं. ये क्यों कहते हैं, इसको आपने एनालाइज करना होता है कि क्या ये जो सेंटेंस होता है, ये जो टेक्स्ट होता है, ये जो फ्रेज होता है, इसको यूज़ करके इट रियली इन्फ्लुएंसेस पब्लिक, इट रियली इन्फ्लुएंसेस इट्स रीडर, इट्स व्यूअर्स, इट्स लिसनर्स. तो ये सब चीज़ें आपने देखने होते हैं. इन थिंकिंग, एनालिस्ट्स मे चूज टू यूज़ वेरियस थियोरेटिकल परस्पेक्टिव्स टू इनडिफरेंट और डिकन्स्ट्रक्ट टेक्स्ट. देयरफॉर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस डज नॉट एम इन प्रोवाइडिंग अ डिफिनेट इंटरप्रिटेशंस और ऑफ सिचुएशंस. इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट होता है उसका ये नहीं कि आपने उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में जो है मतलब जिस तरह वो लिखा गया है उसको उस तरह एनालाइज करना है. नो, योर एनालाइजेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट डजेंट इफेक्ट. सो कोई डिफिनेट जो है इंटरप्रिटेशन उस टेक्स्ट की नहीं होती. आप जिस एंगल से एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज करना चाहो कर सकते हो.
Rather the purpose is to expand people's level of thinking. वही बात करें कि इससे आपकी क्या है, जो critical thinking की जो ability है उसमें जो है increasement होती है. And make individuals realize shortcomings and unknown motivations from the perspective. Critical analysis guides the actions of people by looking beyond the horizon. So I hope this video has been helpful for you. And thanks for watching. Video पसंद आई है तो ज़रूर comment, like, share कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.